भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया अने बहनों ने राम राम। कीकम से मालवा निमाड़ की धरती ने मुझे हमेशा से बहुत प्यार दिया है। मैं जानता हूं रतलाम में 10 बजे के आसपास लोगों को बुलाना ये सबसे कठिन काम होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं इधर भी उस कच्चे रास्ते से उधर से भी हुजूम का हुजूम चला रहा है। और यहां सामने उस बिल्डिंग तक मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। आपका ये प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जब मैं गुजरात में था तब भी और बीते 5 वर्ष में प्रधानमंत्री के तौर पर भी कदम कदम पर आपने इस सेवक को जमकर के समर्थन दिया है। यही प्यार आज भी मैं यहां अनुभव कर पा रहा हूं। साथियों, मां कालिका और बाबा गढ़ कैलाश के सानिध्य में आना हमेशा दिव्य अनुभव रहा है। महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को जन्म देने वाली भूमि को मैं नमन करता हूं। मेरे साथ इन सभी महापुरुषों के सम्मान में मैं दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी भींच के नारा बुलाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये हमारे संस्कार है, ये रतलाम के संस्कार है कि हम मां भारती के वंदन से अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कांग्रेस को भारत माता की जैसे दिक्कत है, उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भाइयों बहनों, देश गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से? आपने देखा होगा नामदार भाषण की शुरुआत ही गाली से करते हैं। भाइयों और बहनों, संस्कारों में क्या फर्क होता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ दिन पहले यहां के सपूत लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह जी ने आज
आग के दौरान अपने युद्ध पोत को बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान है दिया है। मैं उन्हें और उनके परिवार को नमन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं, ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ, हुआ 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 तो हुआ तो हुआ तो, ये तीन शब्द नहीं है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। ये तीन शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये तीन शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये तीन शब्द नहीं है, ये देश की जनता को अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है। बोफोर्स तोप घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, हुआ तो हुआ तो। पनडुब्बी घोटाले पर, सबमरीन घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, क्या जवाब है, क्या जवाब है। हेलीकॉप्टर घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, क्या जवाब है, जरा पूरी ताकत से बताओ तो उनको पता चले, हुआ तो हुआ तो। साथियों, इनके राज में हमारे वीर सपूतों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं मिल पाती थी। आतंकी हमलों में, नक्सली हमलों में हमारे वीर साथी अपनी जान गंवा देते थे और ये लोग कहते थे हुआ तो हुआ तो हुआ तो। ऐसे मुश्किल सवालों का इनके पास एक ही जवाब होता था, सारे देश को पता चल गया है, हुआ तो। इसी तरह भोपाल में जो गैस कांड हुआ, जिसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं, उस बारे में बात की जाए तो उनका अंदाज यही रहता है, हुआ तो हुआ तो। साथियों, कॉमनवेल्थ घोटाला करके इन्होंने देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, लेकिन जवाब है टूजी घोटाला करके इन्होंने देश में टेलीफोन सेवाएं महंगी कर दी, लेकिन जवाब है, जवाब है कोयला घोटाला करके इन्होंने देश की संपदा को लूट लिया, लेकिन इनका एक ही जवाब है, पूरी ताकत से बोलिए, दूर दूर खड़े हुए लोग भी बोलिए। साथियों, ये महामिलावटी लोग कह रहे हैं हुआ तो हुआ तो, लेकिन देश कह रहा है कि महामिलावटी लोगों अब बहुत हुआ, जनता की आवाज है अब बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। वो मध्यम वर्ग
जिसे कांग्रेस लालची कहती है, जिस पर टैक्स बढ़ाने की धमकी देती है, वो मध्यम वर्ग का मानवी कह रहा है, महामिलावटी लोगों, मिडिल क्लास का अपमान बहुत हुआ। वो नौजवान जिनके अधिकार अब कांग्रेस के करीबी लूट रहे हैं, वो नौजवान चीख चीख करके कह रहा है, महामिलावटी लोगों, भाई भतीजावाद बहुत हुआ, वंशवाद बहुत हुआ। वो गरीब महिलाएं जिन्हें कांग्रेस राज में भेदभाव के चलते रसोई गैस नहीं मिली, पक्का घर नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, वो माँ वो बहन कह रही है, महामलावटी लोगों, जातिवाद बहुत हुआ। वो गरीब जिन्हें कांग्रेस के शासन में सस्ता इलाज नहीं मिला, वो कह रहा है, महामिलावटी लोगों, गरीब के साथ भद्दा मजाक बहुत हुआ। वो देशवासी जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों की वजह से आतंकी हमलों में अपनों को खोया है, वो कह रहे हैं, महामिलावटी लोगों, आतंकवाद बहुत हुआ। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के नामदारों की सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भर में आए दिन बम धमाके होते थे, बम फोड़ने वालों के तार सीमा पार पाकिस्तान तक जाते थे, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, वो कहती रही, हुआ तो हुआ। इतना ही नहीं, इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का एक नया सिगुफा गढ़ दिया, हमारी महान परंपरा को जबरदस्ती बदनाम करने की इस कांग्रेस की साजिश के कारण ही असली आतंकी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहाते रहे। साथियों, यही कारण है कि आज ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरते हैं। आपने देखा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, दोनों पर इन्होंने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की इसी सोच ने हमेशा देश का नुकसान कराया है, सिर्फ अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों और अपने दरबारियों के हित में ही सोच सकते हैं। अपने अहंकार में न ये झूठ बोलने से घबराते हैं, न झूठे वायदे करने से। आप मुझे बताइए, यहां इन लोगों ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था कि नहीं किया था? सब पे सब बताएंगे तो फिर मैं मानूंगा, वरना मैं भी क्यों मानूंगा। कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी का वादा किया था, 10 दिन में करेंगे ऐसा कहा था, उनके नामदार ने आके कहा था, मध्य प्रदेश को 1 से 10 की गिनती सिखाई थी, और अगर 10 दिन में नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे कहा था कि नहीं कहा था? ये सब कुछ पब्लिक में कहा था कि नहीं कहा था? जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, जनता जनार्दन के सामने कहा था कि नहीं कहा था? उसको भी उन्होंने ठगा कि नहीं ठगा? आपको ठगा कि नहीं ठगा? ईश्वर को ठगा कि नहीं ठगा? इस पर भरोसा कर सकते हैं? आजादी के 55 साल एक परिवार ने इसी प्रकार से देश को ठगा है, क्या अब भी आप उनको ठगने का अधिकार देना चाहते हो क्या? किसी भी हालत में देना चाहते हो क्या? बिजली का बिल हाफ करेंगे, कहा था ना, बिजली का बिल हाफ करेंगे, ये कहा था का? ऐसा नहीं, जरा मुझे बताइए, कहा था? कहा था? भाइयों बहनों, बिल हाफ हुआ या बिजली की सप्लाई हाफ हुई? भाइयों और बहनों, आज किसानों के घर पर पुलिस पहुंच रही है, कर्जदार किसानों